क्या काट है कि मैं मोहताज हूँ, मैंने मास्क पहना हुआ है, तो वो आपको हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। और इंशाल्लाह ताला आप मास्क पहनेंगे तो आप खुद भी महफूज रहेंगे, आप बाहर से बीमारी लेके अपने घर में भी नहीं आएंगे और अपने घर वालों को भी महफूज रखेंगे। मेरी बहनें, कुछ माएँ, कुछ बच्चियाँ यहाँ नमाज के लिए आई हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि घरों में वो इस बात की तलकीन करें कि जब अपने प्यारों को घर से बाहर निकालें किसी भी काम के हवाले से, किसी भी मकसद के हवाले से, तो उनको मास्क पहना के बाहर निकालें ताकि वो महफूज रह सकें और महफूज रह के काम भी कर सकें और महफूज रह के घर भी वापस आ सकें। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है हम ये सिलसिला आपकी आपके साथ बातचीत करने का या ये तबलीग करने का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह हम चलाते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले भी लाहौर में तमाम लोगों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और जितनी दफ़ा भी आप लोगों से तआवुन की अपील की गई, आप लोगों ने न सिर्फ तआवुन किया बल्कि ये साबित करके दिखाया दुनिया को कि हम अगर चाहें तो इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं एहतियात के साथ। एहतियात करने की गुजारिश करने के लिए आज मैं भी आया हूँ, आपके पास किसी को साहब भी आए हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आएँगे। जब आप वापस जाएँ तो आप ये तलकीन अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को करें, ये सदका जारिया है। मैंने आपसे गुजारिश की कि अगर हम इस तलकीन की वजह से एक ज़िंदगी भी बचाने में कामयाब हो गए तो हमारी इस पूरे की पूरी एफर्ट की कीमत वसूल होगी। और ये सदका जारिया में आप तमाम लोग शामिल हों, आपको कोई शख्स मास्क के बगैर नज़र आए उसे ज़रूर याद कराएं कि आपको मास्क पहनना चाहिए वरना खुदा न खास्ता ये बीमारी फैल सकती है। आप लोगों के इल्म में होगा कि आज पाकिस्तान में बतदरीज पिछले चंद दिनों से केसेस में इजाफा हो रहा है। हमें इस बात की निशानदेही है या इस बात की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में चौथी लहर आ रही है। आज अगर मैं और आप मिल के ये तहिया करें कि हमने चौथी लहर नहीं आने देनी और कोई लॉकडाउन नहीं होने देना तो ये मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन सिर्फ कहने से नहीं है, ये मुमकिन अमल से है। और वो अमल ये है कि हमने एहतियात करनी है, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, एक दूसरे को छूना नहीं है, एक दूसरे से फासले पर रहना है, अननेसेसरीली अपने चेहरे को, अपनी आँख को, अपनी नाक को, अपने मुंह को हाथ नहीं लगाना। मैंने मास्क पहना हुआ है ना, अब मैं इस सरफेस को हाथ लगा के अपने मुंह पे हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मास्क है मेरे। तो ये एक कुदरती तौर पर एहतियात है जो खुद ब खुद हो जाती है, वरना हो सकता है मैं यहाँ से हाथ लगाने के बाद अगर मास्क ना होता तो चेहरा खोजाने के लिए, नाक खोजाने के लिए, पसीना साफ करने के लिए अपने मुँह पर हाथ लगा। तो ये एक नेचुरल एहतियात है ये मास्क है। और जिस तरह फिर मैंने पहले कहा कि ये मास्क हमें दूसरे को मैसेज देता है, देखने वाले को मैसेज देता है कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैंने अपने आप की अपना बचाव किया हुआ है मास्क पहन के, तो दूसरा भी एब्सटेन करता है लेकिन वो भी दूर रहता है आपसे और वो भी एहतियात के पैराए में आता है। मेरा और सबका, आप सबका ये काम बनता है कि हम दूसरों को तलकीन करें, दूसरों को ये कहें कि आप भी मास्क पहनें और अगर कहीं किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसकी निशानदेही प्यार से उसको समझाएं, उसको बताएं कि आपको ये मास्क पहनना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए, हम सब की सेहत के लिए, हमारे शहर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोग जो है ये पैगाम, हमारा पैगाम हम सब की बेहतरी के लिए दूसरों तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह ताला हम कोरोना की चौथी लहर को आने से पहले ही खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें हासिल हो। मैं आशा मस्जिद की इंतजामिया का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे और सीसीपीओ साहब को आज आपसे बात करने का। अल्लाह ताला आपका हमें हासिल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।